जी देखिए भाई आगे सबक फसलुन बिदा के मुरक्कब गैर मुफीद आनस के चूं कायल बरआ सुकूत कुनद सामियारा खबर या तलब हासिल न शबद व आ बर से किस्मस्त अव्वल मुरक्कब इजाफी चूं गुलाम उजैदीन जुज़ अव्वल रा मुजाफ गोयंद व जुज़ दोम रा मुजाफिले व मुजाफिले हमेशा मजरूर बाशद। अच्छा भाई पहले गुज़श्ता सबक का खुलासा सुन लीजिए। भाई गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि जुमला इंशाइया उसे कहते हैं कि जिसके कहने वाले को सच या झूठ के साथ मौसूफ न किया जा सके, यानी आसान लफ्जों में यूं कहो कि जुमला इंशाइया वो है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कहा जा सके। और फिर इसकी 10 किस्में इन्होंने आपको बतलाई थी। पहली किस्म अमर थी। अमर का क्या माना? किसी को किसी चीज का हुक्म देना, जैसे ए ज़रेब तू पिटाई कर या इस मा तू सुन ले या इकरा तुम पढ़ो। तो देखो ये सब क्या हैं? अमर हैं, हुक्म दिया जा रहा है। दूसरी किस्म थी नहीं। नहीं वो जुमला जिसमें किसी को किसी काम से रोका जाए, मना किया जाए, तो इसमें किसी चीज से रोकने का हुक्म दिया जाता है, जैसे ला तज़रिब। तीसरी किस्म थी इस्तिफ़हाम। भाई इस्तिफ़हाम का माना है किसी से कोई सवाल पूछना, कोई बात पूछना, जैसे मिसाल दी थी इन्होंने हल ज़राबा ज़ैदुन, क्या जैद ने पिटाई की है? तो देखो सवाल पूछा जा रहा है। चौथी किस्म थी तमन्नी। भाई तमन्नी उर्दू में जिसको आप तमन्ना कहते हैं, तमन्ना करना, किसी चीज की आरजू करना, ख्वाहिश करना, जैसे लैता ज़ैदन हाजिरुन। और पांचवी किस्म थी तरज्जी। भाई तरज्जी वो जुमला जिसमें उम्मीद को जिक्र किया जाए, भाई किसी काम की उम्मीद को, जैसे लअल्ला अमरन गाइबुन, शायद के अमर गायब होगा या शायद के अमर गायब हो, या उम्मीद के साथ तर्जमा कर लो, उम्मीद है कि अमर गायब होगा। तो मौका महल के मुताबिक जहां शायद से जुमला बेहतर बने वहां शायद के साथ तर्जमा कर लें, और जहां उम्मीद है इसके साथ जुमला बेहतर बने तो वहां इसके साथ तर्जमा कर लें। और छठी किस्म थी उकूद। मैंने बतलाया था उकूद जमा है अकदुन की, और अकद जो है वो मामले को कहते हैं, दो इंसानों के दरमियान जो मामला तय पा जाए उसको अकद कहते हैं, जैसे खरीदो फरोख्त का मामला है, जैसे निकाह का मामला है, जैसे किराए पर कोई चीज लेने का मामला है, जैसे किसी को कोई तोहफा देने का मामला है। तोहफा देना अरबी में उसको हिबा कहते हैं। हिबा के अंदर आप किसी को कोई चीज देते हैं और वो उसको कबूल करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब उकूद हैं भाई। और तो ये उकूद भी क्या हैं? ये इंशा की किस्म है। जैसे मिसाल जिक्र की बिअतु और इश्तराइतु। बिअतु का माना मैंने बेचा और इश्तराइतु का माना मैंने खरीदा। तो बिअतु और इश्तराइतु के जरिए दो इंसान आकद करें तो फिर ये जुमला इंशाइया है। और अगर वैसे किसी को बात बतलाई जाए फिर जुमला इंशाइया नहीं है। मसलन आप अपने साथी को बतलाते हैं बिअतु सय्यारा, मैंने गाड़ी बेच दी। अब ये आप उसको वैसे एक बात बतला रहे हैं फिर ये जुमला इंशाइया नहीं है। हां जब आकद कर रहे हैं गाहक और बेचने वाले के दरमियान जो बात हो रही है, मामला का तय कर रहे हैं, एक कहते हैं मैंने ये गाड़ी आपको बेच दी और दूसरा कहते हैं मैंने खरीद ली, देखो ये आपस में जो आकद कर रहे हैं खरीदो फरोख्त का, उस वक्त ये जुमला इंशाइया है, वैसे जुमला इंशाइया नहीं। उससे अगली किस्म थी निदा। निदा मैंने बताया था वो जुमला जिसके जरिए किसी को आवाज दी जाए, आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जह करवाया जाए, जैसे या जैद ए जैद, और फिर आगे जो बात की जाए उसको जवाबे निदा कहते हैं। एक है निदा और एक है जवाबे निदा।
जो आवाज दी जाए या वगैरह के साथ उसको निदा कहते हैं, और आगे जो बात की जाए उसको जवाब निदा कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं या जैदु, ए जैद इस्मा कलामी, ए जैद मेरी बात सुनो, तो ए जैद यह है निदा, और मेरी बात सुनो यह जवाब निदा, यह अलग जुमला है, इसका इंशाइया होना जरूरी नहीं। हो सकता है ये जुमला इंशाइया हो सकता है जुमला खबरिया हो, वो उसमें आपने खुद गौर करना है। और इस मा कलामी ये है ना जवाब निदा, ये कौन सा जुमला है? इस मा कलामी मेरी बात सुनो, हुक्म दिया जा रहा है। इस मा अमर का सिगा है, आप सर पढ़ चुके हैं, इस मा सुन ले तू, और अमर भी अभी आपने पढ़ा, किसकी किस्म है? इंशा मालूम हुआ या जैदू इस्मा कलामी, या जैदू ये भी है जुमला इंशाइया, यह है निदा, और इस्मा कलामी जवाब निदा ये भी क्या है? जुमला इंशाइया है। लेकिन जवाब निदा का हमेशा जुमला इंशाइया होना जरूरी नहीं। तलबा जब अमूमन तरकीब करते हैं वो समझते हैं ये सारा जुमला इंशाइया है, या जैदू इस्मा कलामी निदा और जवाब निदा को मिलाकर कहते हैं जुमला इंशाइया हुआ। भाई जुमला इंशाइया कैसे? ये तो दो जुमले हैं, ये तो एक जुमला है ही नहीं। भाई बात समझ में आ गई? तो आपने किसको जुमला इंशाइया बनाना है? हमेशा निदा को। और जवाब निदा में आपने फिर गौर करना है कि वो जुमला खबरिया है या जुमला इंशाइया है। देखो या जैद इस्मा कलामी, ए जैद मेरी बात सुन ले, निदा भी जुमला इंशाइया और इस्मा कलामी ये अमर है, ये भी जुमला इंशाइया। लेकिन जवाब निदा का जुमला इंशाइया होना जरूरी नहीं। मसलन दूसरी मिसाल ले लो, या जैदू अमरुन आलिमुन, ए जैद अमर आलिम है। देखा, अब अमरुन आलिमुन ये है जवाब निदा और ये जुमला खबरिया है। इसमें बतलाया जा रहा है जैद को कि अमर आलिम है, और इसके कहने वाले को सच्चा है झूठा कहा जा सकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो निदा और चीज है, जवाब निदा। और इसी तरह अगली किस्म है, एक किस्म आ रही है कसम। भाई कसम, उस कसम के अंदर भी मैंने बतलाया था, एक है कसम एक है जवाब कसम। वल्लाह लअज़रिबन्न ज़ैदन, वल्लाह ये क्या है? ये है कसम, ये है जुमला इंशाइया, और आगे जो जवाब कसम है लअज़रिबन्न ज़ैदन, उसमें आपने खुद अलग से गौर करना है। वो भी अमूमन जुमला खबरिया ही होगी, वो अमूमन जुमला खबरिया होगी, लेकिन वो है अलग जुमला, उसमें आपने अलग गौर करना है। बात समझ में आ गई? तो वल्लाह ये क्या है? कसम। और लअज़रिबन्न ज़ैदन ये क्या है? जवाब कसम। और अमूमन तुलबा इन दोनों को मिलाते हैं और कहते हैं कसम अपने जवाब कसम से मिलकर जुमला इंशाइया हुआ। ये गलत है भाई, जुमला ये तो एक जुमला है ही नहीं, ये तो दो जुमले हैं भाई, एक पहले जुमला इंशाइया है, दूसरे का हुक्म अलग देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो और इसके बाद फिर एक किस्म इन्होंने जुमला इंशाइया की आरज बतलाई थी। आरज मैंने बतलाया था किसी से किसी चीज की दरखास्त करना, किसी को नरमी से किसी से कोई काम तलब करना, नरमी से और मीठे और अच्छे अल्फाज से किसी से कोई काम तलब करना। जैसे मिसाल इन्होंने दी, अल्लाह तंजिलु बिना फतुसीबा खैरा, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाते कि आपको भलाई पहुंचे, खैर पहुंचे, आपको फायदा पहुंचे। तो देखो उसके आने को तलब कर रहा है, लेकिन अच्छे और मीठे अल्फाज के साथ। इसको कहते हैं दरखास्त भाई, क्या कहते हैं? दरखास्त करना। अमर भी था, अमर में हुक्म दिया जा रहा था, और इसमें दरखास्त की जा रही है अच्छे मीठे अल्फाज से। तो ये आरज है। और एक किस्म आपने ताज्जुब पढ़ी थी, ताज्जुब आपने पढ़ा वो जुमला इंशाइया है जिसमें इंसान अपनी हैरत का इजहार करता है, अपनी हैरानगी का इजहार करता है, अपने ताज्जुब का इजहार करता है। आप कोई चीज देखते हैं और बड़े हैरान हो जाते हैं, तो अपनी हैरत का इजहार इन लफ्जों से। उसके दो फेल हैं भाई, फेल ताज्जुब जो हैं वो दो हैं, एक मा अफअलहू और अफइल बिही, जैसे मा अहसनहू और अहसिन बिही। तो ये क्या है? ताज्जुब का इजहार करने के लिए हैं।
किसी ने जैद को देखा और जैद उसको बड़ा अच्छा लगा कि इतना अच्छा इंसान है या इतना हसीन इंसान है, तो वो कहता है मा अहसाना जैदन, जैद कितना अच्छा है, या कहता है या इतनी तर्जमा कर लें मा अहसाना जैदन, जैद कितना हसीन है, या इसी तरह दूसरा लफ्ज क्या है इसका अहसिन बि जैदिन, जैद उसको तो वो जैद के बारे में कहता है अहसिन बि जैदिन, क्या माना, तर्जमा वही होगा जैद कितना अच्छा है, या दूसरा तर्जमा कर लें जैद कितना हसीन है। तो देखो इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको कोई बात नहीं बतला रहा, वो सिर्फ अपनी हैरत का इजहार कर रहा है कि मुझे एक बात पर क्या हुई है, हैरानगी हुई है, तो उसका इजहार कर रहा है। हां इसके बजाय अगर वो वैसे ताज्जुब की बात करता है वहां फिर उसको सच्चा या झूठा कह सकते हैं। एक आदमी कहता है मैं जैद को देखकर हैरान रह गया, अब ये अपनी बात बतला रहा है कि मैं जैद को देखकर, ये हैरत का इजहार नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, आपको एक बात बतला रहा है। हां इसमें उसको सच्चा या झूठा कह सकते हैं, दूसरा कह सकता है ये झूठ बोल रहा है, ये उस पर हैरान नहीं हुआ। बात समझ में आ गई भाई। और हां तमन्नी और तरजी मैंने बताया था ये बजाहिर करीब करीब मालूम होते हैं, लेकिन इनमें लफ्जों में भी फर्क और माना में भी फर्क है। तमन्नी जो है उसके लिए लईता का लफ्ज आएगा हमेशा, लईता का लफ्ज आए तो आप समझ जाएं ये तमन्नी है, और तरजी के लिए लअल्ला का लफ्ज आएगा, लअल्ला का लफ्ज आए तो आप समझ जाएं ये क्या है तरजी। तो लफ्जों में भी फर्क, एक का लफ्ज है लईता और दूसरे का लफ्ज है लअल्ला, और माना में भी फर्क है। तमन्ना जो है वो मुमकिन और नामुमकिन दोनों चीजों की होती है। कभी आपका दिल करता है काश आज बारिश हो जाए, और मुमकिन है यानी कि उसी दिन बारिश हो जाए, तो देखा मुमकिन काम की भी आप तमन्ना कर लेते हैं, और कभी आप नामुमकिन काम की तमन्ना करते हैं काश वो पूरा गुजरा हुआ जमाना वापस आ जाए, और हालांकि वो तो वापस नहीं आ सकता। और जबकि तरज्जी सिर्फ मुमकिन काम की होती है, मसलन आप कहते हैं उम्मीद है कि कल बारिश होगी, उम्मीद है कि कल बारिश होगी, उम्मीद तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन नामुमकिन काम के बारे में उम्मीद नहीं कर सकते। आप कहें उम्मीद है कि गुजरा हुआ जमाना वापस आ जाएगा, नहीं भाई गुजरा हुआ जमाना तो वापस नहीं आ सकता। मालूम हुआ तरजी सिर्फ किस में होगी, मुमकिन काम में होगी, नामुमकिन में नहीं। और नीज एक और फर्क भी है माना के एतबार से कि तमन्नी जो है वो महबूब चीज की होती है, जो पसंद हो उसकी इंसान तमन्ना करता है। आप कहते हैं काश गुजरा हुआ जमाना वापस आ जाए, मालूम हुआ आपको वो जमाना महबूब है। और जबकि तरजी वो महबूब हो या गैर महबूब दोनों की तरजी की जाती है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी कि किसान जो है वो बादल देखकर कहता है शायद बारिश हो जाए, और कभी उसको ये बारिश मरहूब होगी, पसंद होगी कि होनी चाहिए, और हो सकता है उसको ये बारिश पसंद ना हो कि कहीं फसल को नुकसान ना हो जाए, लेकिन कहेगा दोनों सूरतों में वो इसी तरह लअल्लल मतरा यंजिलु, शायद के बारिश हो जाए। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। अब आगे देखिए भाई, फसलुन बिदा के मुरक्कब गैर मुफीद आनस्त के चूं कायल बरआ सुकूत कुनत सामियारा खबर या तलब हासिल न शबत व आ बरस क़िस्मस अव्वल मुरक्कब इजाफी। भाई अभी तक जो बात चल रही थी वो मुरक्कब मुफीद की थी। साहिब नहव मीर ने आपको बतलाया था कि मुरक्कब दो किस्म पर है, एक मुरक्कब मुफीद और एक मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद के बारे में बतलाया था कि जब कहने वाला उस पर खामोशी इख्तियार करे, यानी वो बात करके खामोश हो जाए, तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो। जैसे जराबा जैदुन, उसने कहा और खामोश हो गया, आपको एक बात का पता चल गया कि जैद ने पिटाई की है, जुमला खबरिया। और या उसने कहा ए जरीब आमरान कि अमर की पिटाई करो, ये कहकर वो खामोश हो गया, तो सुनने वाले को पता चल गया कि ये पिटाई को तलब कर रहा है। मालूम हुआ ये मुरक्कब मुफीद है। क्या है? तो मुरक्कब मुफीद में कभी खबर दी जाती है किसी चीज की, और कभी उसमें तलब होती है, किसी चीज को तलब किया जाता है। आसान लफ्जों में मैंने बताया था कि जिसमें बात पूरी हो वह है मुरक्कब मुफीद,
मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? जिसमें बात पूरी हो, सुनने वाला समझ जाए ये क्या कहना चाह रहा है। मसलन आपने कहा जैद ने पिटाई की है, देखा आपको एक बात का पता चल गया, ये जुमला पूरा है। और अगर जुमला पूरा ना हो तो वो मुरक्कब गैर मुफीद है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी, जैद के दोस्त का भाई, जैद के दोस्त का जो भाई है जी, बात पूरी हो गई? हां बात पूरी नहीं हुई। आप कहेंगे क्या हुआ उसको, आप बात तो पूरी करें। तो लफ्जों को आपने नहीं देखना, लफ्ज थोड़े हों या ज्यादा, आपने सिर्फ ये देखना है कि बात पूरी है या पूरी नहीं। अगर बात पूरी है तो वो मुरक्कब मुफीद, और अगर बात पूरी नहीं तो वो मुरक्कब गैर मुफीद। जी देखिए भाई, फसल बिदा के जान ले तू के मुरक्कब गैर मुफीद आनस्त। मुरक्कब गैर मुफीद वो है कि चूं काइल बर आ सुकूत कुनत, कि जब कहने वाला उस पर सुकूत करता है। सुकूत कुनत, सुकूत करता है यानी खामोशी करता है, यानी वो कहकर खामोश हो जाता है। तो सामेरा खबरे या तलब हासिल न शवद, तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब हासिल न हो, तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब हासिल न हो। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? सामेह सुनने वाला, फिर सुन ले तर्जमा के मुरक्कब गैर मुफीद आनस्त वो है कि चूं काइल बर आ सुकूत कुनत, के जब कहने वाला उस पर खामोशी इख्तियार करे। सामेरा खबर या तलब हासिल न शवद, सुनने वाले को कोई खबर या कोई तलब हासिल न हो, यानी बात उसमें पूरी न हो। वह आ बर से किस्मत, और वो तीन किस्म पर है। से का क्या माना? तीन। आन का क्या माना? आन वो बर का क्या माना? पर। और वह आन बर से किस्मत, और वो तीन किस्म पर है। अव्वल मुरक्कब इजाफी, पहला क्या है मुरक्कब? अब मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में आपको बतलाएंगे, ये तीन किस्में बतलाएंगे। कितनी? तीन किस्में, और भी किस्में उलमा ने जिक्र की हैं, लेकिन आपके लिए फिलहाल यही काफी हैं जो ये जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं अव्वल मुरक्कब इजाफी, पहला कौन सा है? पहला मुरक्कब मुफीद जो है वो मुरक्कब इजाफी है। का माना है इजाफियुन। लाहौरियुन का क्या माना? लाहौर वाला। पाकिस्तानियुन का क्या माना? पाकिस्तान वाला। तो यहां भी इसी तरह है, इजाफियुन का माना इजाफत वाला। फिर दोहराएं, इजाफियुन का क्या माना? इजाफत वाला, जिसमें इजाफत हो वो मुरक्कब इजाफी है। चूं गुलाम उजैदीन, जैसे गुलाम उजैदीन। भाई याद रखो, उर्दू में आपका की के साथ एक चीज की निस्बत करते हैं दूसरे की तरफ, किसके जरिए? का के की के जरिए। मसलन मैं कहता हूं जैद का कलम। देखो मैंने कलम की निस्बत जैद की तरफ कर दी कि ये कलम किसी और का नहीं है बल्कि किसका है? जैद का है। या मैं कहता हूं अमर की किताब, देखो मैंने किताब की निस्बत किसकी तरफ कर दी? अमर की तरफ कर दी कि ये किताब किसी और की नहीं है बल्कि किसकी है? अमर की है। या मुसलमानों के बच्चे, देखो मैंने बच्चों की निस्बत किसकी तरफ कर दी? मुसलमानों की तरफ कर दी। तो देखो जैद का कलम, देखो का आ गया बीच में, और अमर की किताब दरमियान में क्या आया? की आ गया। या मुसलमानों के बच्चे दरमियान में क्या आया? के। तो देखो ये एक चीज की निस्बत कभी दूसरी चीज की तरफ की जाती है, इसको इजाफत कहते हैं। एक चीज की निस्बत करना दूसरी चीज की तरफ, इसको क्या कहते हैं? इजाफत कहते हैं। और उर्दू में तो जिस चीज की निस्बत की जा रही है वो बाद में आती है। जैद की किताब, जी मैंने किस चीज की निस्बत जैद की तरफ की? किताब की। और जैद की किताब, किताब पहले है या जैद पहले है? जैद पहले, किताब बाद में है। तो उर्दू में जिस चीज की निस्बत की जाती है वो बाद में जिक्र की जाती है, लेकिन अरबी में बरअक्स है, जिस चीज की निस्बत की जाती है वो पहले आती है और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है वो बाद में आती है।
और उर्दू में तो दरमियान में का के की ये लफ्ज आता है, लेकिन अरबी में दरमियान में कुछ भी नहीं आता। हां आगे जो दूसरा लफ्ज होता है उसके नीचे जेर आ जाती है। क्या आ जाती है? उमूमन जेर आ जाती है। जैसे मैं कहना चाहता हूं जैद की किताब, तो उर्दू में देखो किताब बाद में और जैद पहले, लेकिन अरबी में मैं कहूंगा किताब ज़ैदिन, तो किताब को मैंने पहले जिक्र किया जिस चीज की निस्बत की जा रही है, और जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है उसको मैंने बाद में जिक्र किया, और उस पर देखो जेर भी आ गई। अमूमन उस पर क्या आ जाती है? जेर जर आ जाता है। किताब ज़ैदिन, किताब ज़ैदिन जी। अब मैं कहना चाहता हूं अमर का कलम, अमर का कलम क्या कहूंगा? कलमु अमरिन। देखा दूसरे लफ्ज पर क्या आ गई? जेर आ गई। तो ये जो दरमियान एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ की जाए इसको इजाफत कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि निस्बत का लफ्ज मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया है, जैदुन आलिमुन मिसाल गुजरी थी एक दो सबक कबल, और मैंने क्या कहा था कि जैद एक अलग लफ्ज है, आलिमुन एक अलग लफ्ज, फिर आपने इस आलिमुन के लफ्ज की जैद की तरह, इस आलिमुन के लफ्ज को जैद के साथ जोड़ दिया, आपने आलिमुन के लफ्ज की जैद की तरफ निस्बत कर दी। बात समझ में आ गई? देखो वहां भी निस्बत थी और यहां मुरक्कबे इजाफी में भी क्या है? निस्बत। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि वो निस्बत तामा थी। वो क्या थी? वहां जो दो हम लफ्जों को जोड़ते थे जुमले के अंदर तो पूरा जुमला बन जाता था। वो जो निस्बत होती थी वो मुस्नद की निस्बत होती थी। किसकी तरफ? मुस्नद इलैह की तरफ। और मुस्नद और मुस्नद इलैह जब मिल जाए तो क्या बन जाता है? पूरा जुमला बन जाता है। तो वो निस्बत तामा थी, उसको क्या कहते हैं? ताम का माना है पूरी हो, पूरी यानी पूरी निस्बत है, इससे पूरा जुमला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैदुन आलिमुन, मैंने क्या किया? आलिमुन की जैद की तरफ निस्बत की, तो वो निस्बत तामा थी यानी पूरी कामिल निस्बत थी जिसे पूरा जुमला बन जाता है। वो मुस्नद की निस्बत थी। किसकी तरफ? मुस्नद इलैह की तरफ। जबकि यहां पर ये जो गुलाम, यहां पर जो कहा किताब ज़ैदिन, किताब ज़ैद, यहां पर जो निस्बत है वो निस्बत तामा नहीं है। एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ तो की गई है लेकिन उससे जुमला पूरा नहीं हुआ। किताब ज़ैदिन क्या तर्जमा? जैद की किताब। कोई बात पूरी है? आप किसी को सारा दिन कहते रहें जैद की किताब, जैद की किताब, वो कहेगा भाई बात तो पूरी करें, उसको क्या हुआ? गुम हो गई है या खराब हो गई है या कोई ले गया है, कुछ तो बताएं हमें। तो ये बात पूरी नहीं। तो वो जिसमें बात पूरी हो उसको क्या कहते हैं? वो भी निस्बत, लेकिन उसको क्या कहते हैं? निस्बत तामा। और ये भी निस्बत है, एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत की जा रही है, लेकिन इसको कहते हैं निस्बत गैर तामा। तो मुरक्कब इजाफी के अंदर भी निस्बत होती है, लेकिन वो कौन सी निस्बत होती है? गैर तामा। क्या होती है? यानी उसमें बात पूरी नहीं, बात पूरी नहीं। तो कहते हैं अव्वल मुरक्कब इजाफी, पहला जो है वो मुरक्कब इजाफी है। चूं गुलाम ज़ैदिन, जैसे गुलाम ज़ैदिन क्या तर्जमा होगा? गुलाम ज़ैदिन, जैद का गुलाम। देखो ये गुलाम आप बकर का भी हो सकता था, अमर का भी, खालिद का भी, लेकिन आपने इस गुलाम की निस्बत किसकी तरफ कर दी? जैद की तरफ, और बतला दिया कि यह जैद का गुलाम है, अमर का गुलाम नहीं है भाई। जुज़्वे अव्वल रा मुज़ाफ गोयंद व जुज़्वे दुवुम रा मुज़ाफ इलैह। इसके पहले जुज को देखो, गुलाम ज़ैदिन दो जुज हैं, पहला जुज क्या? गुलाम। दूसरा जुज क्या? जैद। तवज्जो है इस लफ्ज पे नजर रखें, गुलाम ज़ैदिन पहला जुज क्या? गुलाम। दूसरा लफ्ज जैद। ये जो पहला जुज होता है इसको मुज़ाफ कहते हैं, मुजाफ यानी जिसकी निस्बत की गई है, और दूसरे को कहते हैं मुजाफुन इलैही। देखो इलैही मुजाफुन, निस्बत की गई है इलैही इसकी तरफ, निस्बत की गई है इसकी। तो पहले को क्या कहते हैं? मुजाफ, और दूसरे को क्या कहते हैं? मुजाफ इलैह। और मुजाफ इलैह पर हमेशा क्या आएगा? जर आएगा, यानी अक्सर वो जेर आएगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं जुज़ अव्वल रा मुज़ाफ गोयंद,
इसके पहले जुज को मुजाफ कहते हैं वह जुजवे दुवम, इसको दोम न पढ़ना, अक्सर तुलबा दोम पढ़ते हैं, दोम नहीं दुवम, दाल पर भी पेश और वाव पर भी, शद्दा भी और पेश भी, दुवम अव्वल पहला, दुवम दूसरा, सिवम सीन के नीचे जेर है और वाव मुशद्दद है, सिवम तीसरा, चहारम चौथा, पंजम पांचवा, शशम छठा, हफ्तम सातवां, हष्टम आठवां, नहम नौवां और दहम दसवां। दह दह दस को कहते हैं ना, तो दहम क्या बन जाएगा, दसवां। बात समझ में? तो कहते हैं जुज़े अव्वल राम मुजाफ गोयंद, इसके पहले जिसको मुजाफ कहते हैं, वह जुज़े दोम राम मुजाफिल है और दूसरे जुज़ को मुजाफिल है, वह मुजाफिल हमेशा मजरूर बाशद और मुजाफिल हमेशा मजरूर होगा, मुजाफिल हमेशा क्या होगा, मजरूर होगा। ये पहली किस्म थी किसकी, मुरक्कब गैर मुफीद की। क्या नाम है इसका, मुरक्कब इजाफी। इसके मुरक्कब इजाफी क्यों कहते हैं, इसमें इजाफत होती है एक चीज की दूसरी चीज की तरफ, यानी यूं कहें निस्बत होती है एक चीज की दूसरी चीज की तरफ। और ये कौन सी निस्बत है, तामा है या गैर तामा, गैर तामा। तामा में क्या होता है, उसमें बात पूरी होती है और गैर तामा में बात पूरी नहीं होती। और उर्दू में इसका इस मुरक्कब इजाफी का तर्जमा किसके साथ करते हैं, गा के और की दरमियान में ले आते हैं, और उर्दू के अंदर मुजाफ को बाद में कर देते हैं और मुजाफिले को पहले कर देते हैं, उलट देते हैं। तरतीब समझ में आ रही है, गुलाम जैदीन क्या तर्जमा करेंगे, जैद का गुलाम। कलम अमरीन क्या तर्जमा करेंगे, अमर का कलम भाई। और इसी तरह तालिबुल मदरसा, मदरसे का तालिब इलम। बात समझ में आ गई भाई। दुवम दूसरा जो है मुरक्कब बिनाई, दूसरा जो है वो मुरक्कब बिनाई है। व ओ आनस्त, आपकी किताबों में वाओ अलिफ वाओ होगा, इसको वाओ ना पढ़ना, वाओ अलैदा है और ओ ओ का माना वो वो वो। व ओ आनस्त और वो है कि दो इसमरा यके करदा बाशद, कि दो इस्मों को यके यके यानी एक एक, दो इसमरा यके करदा बाशद, दो इस्मों को एक कर दिया गया हो। वह इसमें वो मुतजमीन हरफे बाशद और दूसरा इसम वो किसी हर्फ को मुतजमीन हो। भाई पहले समझ लो इसको, मुरक्कब बिनाई किसे कहते हैं, मुरक्कब बिनाई इसे कहते हैं कि असल में दो इसम थे और दरमियान में कोई हर्फ भी था, जैसे अहदुन व आशरुन, अहदुन एक इसम और आशारून दूसरा इसम और दरमियान में वाव भी है। अहदुन व आशर, कितने इसम थे, एक अहद और एक आशर और दरमियान में वाव एक हर्फ भी है। तो दो इसम थे अलैदा अलैदा, दरमियान में वाव था, फिर इन दोनों को जोड़कर इकट्ठा कर दिया गया और ये जो वाव है इसको हजफ कर दिया गया और पढ़ेंगे इसको अहदा आशारा। कैसे पढ़ेंगे, अहदा आशारा। तो देखो ये दो इसम थे, इनको जोड़कर एक बना लिया और दो लफ्जों को जब जोड़ा जाए तो उसको मुरक्कब कहते हैं। मुफरद में एक लफ्ज होता था और मुरक्कब दो या दो से ज्यादा, तो यहां भी देखो दो लफ्जों को जोड़कर एक ही लफ्ज बना दिया। तो अरबी में 11 को कहते हैं अहदा आशारा, क्या कहते हैं, अहदा आशारा। और इसमें दोनों जुज जो हैं ये मबनी होते हैं और इन पर फतहा पढ़ते हैं। तवज्जो है, दोनों जुज क्या होते हैं, मबनी और दोनों पर फतहा पढ़ते हैं। तो दोनों जुज मबनी अलल फतह, अहदा देखो यहां भी दाल पर जबर फतहा है और आशारा यहां पर भी रा पर फतहा, तो दोनों मबनी अलल फतह होते हैं दोनों जुज, यानी दोनों पर जबर पड़नी है दोनों अज्जा पर। तो ये 11 को अरबी में क्या कहते हैं, अहदा आशारा। और ये असल में क्या था, अहदुन व आशरुन, अहदुन दाल पर भी पेश थी और वाव था दरमियान में और आशरुन उसमें भी आखिर में क्या थी, पेश थी। फिर इन दोनों को जब मिला दिया, वाव को हजफ किया, क्या बन गया, अहदा आशारा। अब अहदा आशारा
याद रखो ये जो अरबी है ना, अरबी, अरबी में जब कोई आप लफ्ज बोलते हैं तो उसका आखिर उमूमन बदलता है। जैसे कभी आप पढ़ते हैं जैदुन, कभी जैदन, कभी जैदीन, देखो एक ही लफ्ज है, कभी आप क्या पढ़ रहे हैं जैदुन, कभी क्या पढ़ रहे हैं जैदन, और कभी क्या पढ़ रहे हैं जैदीन। ये जो आखिर इसका बदल रहा है इसको एराब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मौका महल के मुताबिक होता है। कभी कभार जब अरब अरबी बोल रहा होगा वो कहेगा जैदुन, या किताब में आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा जैदुन, और बाज जगह ऐसी आएंगी वहां आपको पढ़ना पड़ेगा जैदन, और कुछ जगह आएंगी वहां आपको पढ़ना पड़ेगा जैदीन। अब कहां जैदुन पढ़ना है, कहां जैदीन पढ़ना है, कहां जैदन पढ़ना है, ये इल्म नह जो हम पढ़ रहे हैं इससे आपको पता चलेगा कि कहां पर जैदुन यानी पेश पढ़ना है, कहां जैदन यानी जबर पढ़ना है, और कहां जैदीन यानी जेर पढ़नी है। पेश, जबर और जेर, इसी को अरबी में कहेंगे जम्मतुन, फतहतुन और कसरतुन। क्या कहेंगे? पेश को कहेंगे जम्मतुन, जम्मा, तनवीन आखिर में मैं पढ़ रहा हूं, वैसे सुकून करेंगे जम्मा, जम्मतुन, और जबर जो है उसको कहते हैं फतहतुन, और जो जेर होती है उसको कहते हैं कसरतुन। तो आखिर में वक्फ करेंगे जम्मा फतहा कसरा, जम्मा फतहा और कसरा। जम्मा किसे कहते हैं? पेश को, और फतहा किसे कहते हैं? जबर को, और कसरा किसे कहते हैं? जेर को। तो अरबी के अक्सर अल्फाज जो हैं उनका आखिर बदलता है, कभी पेश पढ़ना पड़ता है, कभी जबर पढ़ना पड़ता है, कभी जेर, या यूं कहो कभी जम्मा पढ़ना पड़ता है, कभी फतहा पढ़ना पड़ता है, और कभी कसरा। और ये आपको कैसे पता चलेगा? किसके जरिए? इल्मे नहव में, और ये इल्मे नहव ही हम पढ़ रहे हैं। ये चूंकि इब्तदाई किताब है, यहां बस चंद मोटी मोटी बातें आएंगी, आपको नहव का तआरुफ करवा रहे हैं कि नहव ऐसा इलम है, इसमें ये चीजें होती हैं, ये इनका जिक्र आगे आएगा। तो बस मुख्तसर किताब है, देखो बहुत छोटी सी, चंद सफों पर मुश्तमिल है, तो वो सिर्फ चीजों का तआरुफ करवा रहे हैं, और तफसील आगे हिदायतुन नहव पढ़ेंगे वहां कुछ तफसील आ जाएगी। फिर उसके बाद आप काफिया किताब उससे अगले साल पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा तफसील आ जाएगी। उसके बाद शरे जामी पढ़ेंगे, उसमें पूरी तफसील आ जाएगी भाई। तो यहां अभी नहमीर में सिर्फ क्या करवाया जा रहा है? नहव का तआरुफ करवाया जा रहा है कि नहव कैसा इलम है, उसमें क्या कुछ होता है। तो बस मोटी मोटी बातें कुछ आपको बतला रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि अरबी के अल्फाज का अमूमन आखिर बदलता है, कभी उस पर क्या पढ़ते हैं? जम्मा, कभी क्या पढ़ते हैं? फतहा, और कभी कसरा। याद रखो ये जो हरकतें बदल रही हैं आखिर में, इसको कहते हैं एराब, और वो लफ्ज जिसका आखिर बदलता हो उसको कहते हैं मुअरब। क्या कहते हैं? मुअरब, जिसका आखिर बदलता हो, और जिसका आखिर नहीं बदलता उसको मबनी कहते हैं। तवज्जो है, वो लफ्ज जिसका आखिर बदलता हो, जैदुन, जैदन, जैदीन, कभी जम्मा, कभी फतहा, कभी कसरा, उसको क्या कहते हैं? मुअरब, मीम आइन राबा, मुअरबुन, और जिसका आखिर नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं? मबनी, मबनीयुन, असल में है मबनीयुन, या मुशद्दद है लेकिन वक्फ करके पढ़ते हैं मबनी। तो मुअरब किसे कहते हैं? जिसका वो लफ्ज जिसका आखिर बदलता हो, कभी जम्मा पढ़ना पड़ेगा, कभी फतहा पढ़ना पड़ेगा, और कभी कसरा। और मबनी किसे कहते हैं? जिसका आखिर न बदलता हो। इसी मबनी से है मुरक्कब बिनाई, इसी मबनी से क्या है? मुरक्कब बिनाई, ये बिना, ये उसी मबनी, इसी से बना है। मबनी किसको कहते हैं? जिसका आखिर न बदले। ये जो मुरक्कब बिनाई है इसका भी आखिर नहीं बदलता, एक जैसा रहता है। जैसे अहादा, आशारा, देखो दो लफ्ज थे, पहले क्या था? अहादा आशारा असल में क्या था?
अहदुन व आशरुन। अहदुन इस पर क्या पढ़ रहे थे? जम्मा, और दरमियान में वाव था, और आशरुन पर भी क्या पढ़ रहे थे? जम्मा। तो इन पर जम्मा भी आ सकता था, फतहा भी और कसरा भी, लेकिन जब ये दोनों जब इनको मिलाकर एक कर दिया, वाव को हजफ किया और दोनों को जोड़कर एक बना दिया, तो अब इन दोनों पर सिर्फ जबर पड़ेंगे, ये मबनी बन गया, अब नहीं बदलेगा। अहादा आशारा, अहादा की दाल पर भी जबर और आशारा की रा पर भी जबर, हर जगह आप इसी तरह इनको पढ़ेंगे, इस दाल और रा की हरकत कभी भी नहीं बदलेगी। तो यूं कहेंगे कि इसके दोनों जुज मबनी अलल फता हैं। कैसे कहेंगे? दो जुज थे ना, एक अहद और एक अहदुन और दूसरा आशर, लेकिन जब दोनों को जोड़कर मिला दिया, अब इसके दोनों जुज क्या होंगे? मबनी। क्या होंगे? और दोनों पर क्या पढ़ना है? फतहा यानी जबर पढ़ना है। तो यूं कहेंगे कि इसके दोनों जुज मबनी अलल फता हैं। अहदा आशारा, इसके दोनों जुज क्या हैं? मबनी अलल फता। तो ये दोनों जुज क्या हैं? मबनी। क्या माना मबनी है? अब इनका आखिर कहीं भी नहीं बदलेगा, जहां भी आप अरबी में इनको पढ़ेंगे अहदा आशारा ही पढ़ना पड़ेगा। और मबनी है किस पर? फतहा पर, यानी जबर ही पढ़ेंगे, जेर या पेश नहीं पढ़ेंगे। और फिर याद रखो, अहदा आशारा क्या माना? ग्यारह। इसना आशारा क्या माना? बारह। सलासता आशारा क्या माना? तेरह। अरबाता आशारा चौदह। खमसता आशारा पंद्रह। सितता आशारा सोलह। सबता आशारा सत्रह। समानियता आशारा अठारह। तिसता आशारा उन्नीस। तो ये अहदा आशारा से लेकर तिसता आशार तक, यानी उन्नीस तक इसी तरह है। दोनों जुज क्या होंगे? मबनी अलल फता, सिवाय इसना आशारा के, जो बारह है। बारह इसना आशारा, इसका दूसरा जूज यानी आशारा की रात तो मबनी अलल फता है, उस पर तो जबरी पढ़ना है, लेकिन इसना आशारा कभी पढ़ेंगे और कभी इसना आशारा पढ़ेंगे। कभी क्या पढ़ेंगे? इसना आशारा और कभी इसना आशारा, या के साथ, कभी अलिफ के साथ, कभी या के साथ। कभी क्या पढ़ेंगे? इस ना आशारा और कभी क्या पढ़ेंगे? इस नए आशारा। देखा, लेकिन आशारा की राह नहीं बदलेगी। मालूम हुआ दूसरा जुज तो मबनी अलल फता ही है, वो नहीं बदल रहा। हां, पहला जुज वो मुअरब है, वो बदल रहा है। जिस लफ्ज का आखिर बदले उसको क्या कहते हैं? मुअरब। तो इस ना आशारा क्या है? इसका पहला जुज वो मुअरब और दूसरा जुज मबनी। बाकी अहदा से आशारा से लेकर तिसाता आशारा तक सारे जुज जो हैं, पहला और दूसरा, हर जगह वो मबनी अलल फता हैं। फर्क समझ में आया? मुरक्कबे बिनाई को मुरक्कबे बिनाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दोनों जुज क्या होते हैं? मबनी होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुरक्कबे बिनाई। हां, इसमें अलबत्ता इसना आशारा जो है, इसका दूसरा जुज तो मबनी है, अलबत्ता पहला जुज मुअरब है, वो बदलता है। कभी इसना आशारा आपको पढ़ना पड़ेगा इबारत में, और कभी इसने आशारा, और कहां इसना आशारा पढ़ना है और कहां इसने आशारा पढ़ना है, वो इंशाल्लाह आप जब कुछ नहु सीख लेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए भाई, किताब पर कहते हैं दुवम मुरक्कबे बिनाई, दूसरा जो है वो मुरक्कबे बिनाई है। वह ओ आनस, और वो है कि दो इसम रा यके करदा बाशद, के दो इस्मों को एक कर दिया हो। ये दो इस्मों को क्या माना? एक कर दिया, जोड़कर मिलाकर एक लफ्ज बना दिया। अहदा आशारा, देखो इकट्ठा कर दिया, कि दो इस्म रा यके करदा बाशद, दो इस्मों को एक कर दिया गया हो। वह इसमें दोवम मुतजमिन हरफे बाशद। अच्छा, मैंने क्या बताया? अहदा आशारा असल में क्या था? अहदुं व आशरुं। तो ये जो वाव है दरमियान से, इसको हजफ कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। और बाज यूं तकरीर करते हैं, वो कहते हैं ये जो वाव है ये दूसरे हर्फ के अंदर छुप गया, ये दूसरे जुज के अंदर छुप गया। अहदुं व आशरुं, ये वाव किस में छुप गया? दूसरे जुज यानी आशरुन में छुप गया।
बास को क्या कहते हैं, इस वाव को हजफ कर दिया, और बास कैसे कहते हैं, ये इसके अंदर छुप गया। तो मुतजमीन का माना होता है एक चीज दूसरी के अंदर हो। तो यहां पर भी जब वाव अशरुन के अंदर छुप गया तो हम क्या कहेंगे कि वाव अशरुन के अंदर है, वाव अशरुन के जिमन में है। लफ्ज समझ में आ रहा है, जब दूसरा जब हर्फ वाव किस में छुप गया, अशरुन में, तो क्या कहेंगे वाव अशरुन के जिमन में है या इसके अंदर छुपा हुआ है, यूं कह लो। बात समझ में आ गई, यही बयान कर रहे हैं। वह इसमें दो वो मुतजमीन है हरफे बाशत, और दूसरा जुज जो है, दूसरा इसम, दो इसम थे ना, तो दूसरा इसम मुतजमीन है हरफे बाशत, वो हर्फ को मुतजमीन है। क्या माना हर्फ को मुतजमीन है, आहदा आशारा, पहला इसम क्या, आहदा, तवज्जो से भाई, आहदा आशारा, कितने इसम थे, दो, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, एक बना दिया। तो पहला इसम क्या है, आहदा, दूसरा क्या है, आशारा, तो और वो किसके अंदर छुप गया, आशारा दूसरे में, तो क्या कहेंगे कि दूसरा इसम मुतजमीन हर्फ है। दूसरा इसम क्या माना मुतजमीन हर्फ है, कि इसके अंदर वो हर्फ छुपा हुआ है, इसके जिमन में है, इसके अंदर है। बात समझ में आ गई, ये माना है। वह इसमें दो मुतजमीन हर्फे बाशद, और दूसरा इसम जो है वो मुतजमीन हर्फे है, वो उसके जिमन में हर्फ है, उसके जिमन में हर्फ है, यानी उसके अंदर हर्फ छुपा हुआ है। चूं अहदा आशारा, जैसे अहदा आशारा, ता तिसअत आशारा, ता का माना है तक, तक उर्दू में इला, अरबी में कहते हैं ना इला, इला उर्दू में कहते हैं तक। अहदा आशारा से तिसा आशारा तक, अहदा आशारा से तिसाता आशारा तक, ये तक के लिए फारसी में क्या लफ्ज़ बोलते हैं, ता जो आ रहा है दरमियान में। चूं अहदा आशारा, जैसे अहदा आशारा ता तिसाता आशारा, तिसाता आशारा तक, के दर असल के असल में, दर असल के असल में, अहदुं व आशरुन व तिसातुं व आशरुन बुदास्त, के असल में ये अहदुं व आशरुन और तिसातुं व आशरुन थे। वाव रा हजफ कर दा, वाव को हजफ कर दिया यानी उसको गिरा दिया, हर दो इसमरा यके करदन, दोनों इस्मों को एक कर दिया, हर दो इसमरा दोनों इस्मों को यके करदन एक कर दिया। वह हर दो जुज मबनी बाशद बरफता, और इसके दोनों जुज मबनी होंगे बरफता, किस पर, अहदा आशारा के दोनों जुज क्या होंगे, मबनी अल फता, क्या माना मबनी, क्या माना, इनका आखिर नहीं बदलेगा, और मबनी अल फता होंगे, क्या माना, इन पर फतहा, दोनों जुजों पर फतहा पढ़ना है, अहदा आशारा, और इसी तरह तिसाता आशारा, ये माना है। वहर दो जुज मबनी बाशद बरफता, और दोनों जुज जो हैं वो मबनी बरफता होंगे। इल्ला इसना आशारा, सिवाय किसके, इस इल्ला का माना है सिवाय, सिवाय इल्ला, सिवाय इसना आशारा, सिवाय इसना आशारा के जुज्व अव्वल मोरबस, कि उसका पहला जुज, इसना आशारा का पहला जुज क्या, वो क्या है, इसना, और दूसरा जुज क्या है, आशारा। आशारा तो मबनी अल फता ही पढ़ेंगे आप, हर जगह इस पर जबर ही पढ़ेंगे, लेकिन इसना को उसका आखिर बदलेगा, कभी क्या पढ़ेंगे इसना, और कभी क्या पढ़ेंगे इसने, तो यूं पढ़ेंगे इसना, कभी इसना आशारा, यूं कभी इसना पढ़ेंगे इस तरह इसना आशारा, और कभी इसने पढ़ेंगे इसने आशारा। सूरत समझ में आ गई। सिवम मुरक्कब मना सर्फ, सिवम सीन के नीचे जेर पढ़ना भाई, से का क्या माना, तीन, सिवम तीसरा, सिवम तीसरा, सिवम मुरक्कब मना सर्फ, तीसरा जो है मुरक्कब मना सर्फ है। पहला क्या था, मुरक्कब गैर मुफीद की कुल कितनी किस्में, तीन, पहली किस्म मुरक्कब इजाफी को मुरक्कब इजाफी क्यों कहते हैं,
क्योंकि उसमें इजाफत होती है, यानी एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत होती है। दूसरा क्या है? मुरक्कबे बिनाई। मुरक्कबे बिनाई को मुरक्कबे बिनाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दोनों जुज, यूं कहें इसके दोनों जुज मबनी होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुरक्कबे बिनाई। और तीसरा क्या है? मुरक्कबे मनासर भाई व ओ आनस। इसको समझ लें भाई, मुरक्कब इजाफी में एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत करते थे, क्या करते थे? और मुरक्कब बिनाई में निस्बत नहीं करते थे, दो इस्मों को वैसे आपस में जोड़ते थे और दरमियान में क्या होता था? हर्फ छुप जाता था। तवज्जो है, फिर सुनो, मुरक्कब इजाफी में क्या करते थे? एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत करते थे, और मुरक्कब बिनाई में निस्बत नहीं करते, वैसे दो इस्मों को जोड़ते हैं और दरमियान में दूसरे में क्या छुप जाता है? हर्फ छुप जाता है। जबकि तीसरा मुरक्कब मनासर्फ, इसमें भी निस्बत नहीं होगी, दूसरे में भी निस्बत नहीं थी, तीसरे में भी निस्बत नहीं होगी, और इसमें भी दो इस्मों को जोड़कर एक बनाएंगे, लेकिन दूसरे से फर्क, मुरक्कब बिनाई से इसका फर्क यह है कि मुरक्कब बिनाई में दूसरे में एक हर्फ छुप जाता था, यहां कोई हर्फ नहीं छुपेगा, यहां कोई हर्फ नहीं छुपेगा। बात समझ में आ गई? मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत हो। और मुरक्कब बिनाई में निस्बत होगी? नहीं। मुरक्कब मनासर्फ में निस्बत होगी? नहीं। हाँ, लेकिन मुरक्कब बिनाई में जब दो इस्मों को मिलाकर एक करेंगे तो दूसरे में क्या छुप जाएगा? हर्फ छुप जाएगा, जबकि मुरक्कब मनासर्फ में दूसरे के अंदर हर्फ नहीं छुपेगा। ये फर्क है। बात समझ में आ गए? तो अब याद रखो, इधर देखिए, मुरक्कब मनासर्फ इसे कहते हैं, दो इस्म थे, अलहदा अलहदा थे, उन दोनों को जोड़कर एक इस्म बना लिया और दरमियान में कोई हर्फ भी नहीं छुपा हुआ। सूरत समझ में आ गई? देखिए भाई, कहते हैं मुरक्कब मनासर व ओ आनस, और वो है कि दो इसमरा यके करदा बाशन, कि दो इस्मों को एक कर दिया गया हो, वह इसमें दुवम मुतजम्मी ने हर्फे न बाशद, और दूसरा इसम किसी हर्फ को छुपाए अपने जिमन में लिए हुए न हो, कोई हर्फ उसके अंदर छुपा हुआ न हो। चूं बाला बक्का वह हजरा मऊत, बाला बक्का और हजरा मऊत भाई, बाला बक्का याद रखो ये एक शहर का नाम है। किसका नाम है? और ये शहर का नाम बाला बक क्यों रखा? क्योंकि इसके बादशाह का नाम बक्कून था, जो वहां का बादशाह था उसका नाम क्या था? बक्कून। और जो उसके अंदर एक बुत था, उस बुत का नाम था बालुन। तो बालुन किसका नाम था? बुत का, उसी शहर के अंदर। और बक्कून किसका नाम था? बादशाह का। तो बादशाह ने जब ये नया शहर बनाया जिसके अंदर ये बुत था, तो उसने इसका नाम बाला बक रख दिया, अपने नाम के साथ बुत का नाम मिलाकर इस शहर का नाम रख दिया। सूरत समझ में आ गई? तो क्या, तो देखो, बालुन अलग इसम था, बक्कून अलग था, दोनों को मिलाया और कैसे पढ़ेंगे? बाला बक्कू, बाला बक्कू, बाला बक्कू। इसमें याद रखें, तवज्जो से सुनो जरा, मौरब किसे कहते हैं? जिसका आखिर बदलता हो, कभी फतहा, कभी जम्मा, कभी फतहा और कभी कसरा। और मबनी किसे कहते हैं? जिसका आखिर बिल्कुल नहीं बदलता, बस जैसा है वैसा ही हर जगह पढ़ना पड़ेगा। और ये जो मुरक्कब मनासर्फ है, इसमें याद रखना, जब दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया तो पहले इसम, पहला जुज जो होगा, पहला इसम जो होगा वो मबनी अलल फता होगा। बाला, देखो इस्लाम पर जबर पढ़ना है हमेशा, तो ये मबनी है और मबनी अलल फता है। बात समझ में आ रही है? मबनी है, क्या माना? ये बदलेगा नहीं, और पढ़ना क्या इस पर? फता। तो इसको क्या कहेंगे? मबनी अलल फता। और जो दूसरा जुज है बक, बक्कुन, उस पर पेश भी पढ़ सकते हैं और जबर भी पढ़ सकते हैं, जेर नहीं पढ़ सकते। उस पर पेश भी पढ़ सकते हैं और जबर भी, लेकिन जेर नहीं, यानी वो गैर मुनसरिफ होगा। क्या होगा? गैर मुनसरिफ। याद रखना, अभी करीब में किस्म तफसील आने वाली है, बस अभी सिर्फ इतना समझ लें कि एक इसम की एक किस्म गैर मुनसरिफ है,
मुअरब, मुअरब की एक किस्म क्या है? फिर दोहराएं, मबनी किसे कहते हैं? जिसका आखिर नहीं बदलता। और मुअरब किसे कहते हैं? जिसका आखिर बदलता है। इसी मुअरब की एक किस्म का नाम गैर मुनसरिफ है। क्या नाम है भाई? देखो, अब आप पढ़ रहे थे जैदुन, जैदन, जैदिन, तीनों तरह इसको पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ लफ्ज अरबी के ऐसे हैं कि जिनका आखिर बदलता तो है लेकिन उन पर जेर नहीं आती और नीज उन पर तनवीन भी नहीं आती। जैदुन, देखो ये तो तनवीन आप पढ़ रहे हैं आखिर में, दो पेश। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो पेश या दो जेर, इसको तनवीन कहते हैं। तो जैदुन पर तनवीन भी आ रही है, जैदुन, जैदन, जैदिन, और जबर, जेर, पेश तीनों आ रहे हैं तनवीन के साथ। लेकिन जो गैर मुनसरिफ होता है वो ऐसा मुअरब है जिसका आखिर बदलता तो है लेकिन उस पर जेर भी नहीं आती और उस पर तनवीन भी नहीं आती, उस पर तनवीन भी नहीं आएगी और जेर भी नहीं और तनवीन भी नहीं। यानी जबर भी आएगा तो अकेला जबर आएगा, तनवीन के साथ नहीं आएगा। पेश भी आएगी तो अकेली पेश आएगी, तनवीन के साथ नहीं आएगी। तो मुरक्कब मनासर, मुरक्कब मनासर, इसका पहला जुज वो मबनी अल फता होगा और दूसरा जुज जो बक्कुन है वो मुअरब गैर मुनसरिफ होगा। क्या होगा? क्या माना मुअरब गैर मुनसरिफ? यानी वो बदलेगा, मुअरब है तो वो आखिर उसका बदलेगा लेकिन कसरा भी नहीं आएगी और तनवीन भी नहीं। यानी पेश भी आ सकता है और जबर भी आ सकता है। बाला बक्कू, तवज्जो है, बाला बक्कू, देखो काफ पर मैं पेश पढ़ रहा हूं, तनवीन नहीं पढ़ रहा, बाला बक्कुन, ये तनवीन अगर मैं पढ़ूं ये गलत है। तो बाला बक्कू, बाला, ये देखो ये मबनी अल फता और बक्कू ये क्या है? गैर मुनसरिफ। और नीज इसको बास जगह आपको पढ़ना पड़ेगा बाला बक्का, काफ पर जबर। बात समझ में आ रही है? कैसे पढ़ेंगे? बाला बक्का और बाला बक्कू दोनों तरह पढ़ सकते हैं, पेश भी और जबर भी पढ़ सकते हैं, जिस मौके के मुताबिक पढ़ना है। वैसे नहीं कि अपनी मर्जी से जो भी पढ़ दें, कहीं पर पेश ही पढ़ना पड़ेगा और कहीं पर जबर। तो आखिर इसका बदल तो रहा है लेकिन किस तरीके पर बदल रहा है? गैर मुनसरिफ के तरीके पर बदल रहा है। यानी और गैर मुनसरिफ पर क्या होता है? जेर भी नहीं आती और तनवीन भी नहीं। तो इसी तरह बाला बक्कू के आखिर में भी पेश भी के आखिर में भी कसरा भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं। पेश भी आ सकता है अकेला और अकेली जबर भी आ सकती है बगैर तनवीन के। बात समझ में आ गई? इसी तरह हजरा मऊतू, हजरा मऊतू, देखो ये भी एक नाम है। ये अलग अलग दो इसम थे, एक इसम क्या है पहला हजर और दूसरा क्या है मऊतू। इन दोनों इसमों को मिला दिया, मिला दिया। देखो बाला बक्कू मैंने बताया ये शहर का नाम है, इसी तरह हजरा मऊतू ये भी किसी शहर या कबीले का नाम है, शहर या कबीले। तो हजरा एक इसम और मऊतू दूसरा इसम। और इसके क्या पढ़ा आपने? पहला जुज क्या है? मबनी अल फता, हजरा रा पर हमेशा जबर पढ़ना है। और दूसरा जुज क्या है? मऊतू, उसको कैसे पढ़ना है? मुअरब गैर मुनसरिफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या माना मुअरब गैर मुनसरिफ? तनवीन और कसरा नहीं आएंगे और जबर भी आ सकता है बगैर तनवीन के और पेश भी आ सकती है बगैर, यानी जम्मा और फतहा तो आ सकता है कसरा और तनवीन नहीं। तो हजरा मऊतू, हजरा मऊता यूं पढ़ सकते हैं। फिर सुनो, क्या? हजरा मऊतू और हजरा मऊता और हजरा मऊती पढ़ सकते हैं नहीं, या हजरा मऊतीन तनवीन पढ़ सकते हैं नहीं, या हजरा मऊतुन तनवीन पढ़ सकते हैं, या हजरा मऊतन तनवीन नहीं, सिर्फ पेश या जबर पढ़ सकते हो बगैर तनवीन के, जेर और तनवीन नहीं पढ़ सकते। तो कहते हैं चूं बाला बक्का व हजरा मऊतू, जैसे बाला बक्का और हजरा मऊतू के जुजे अव्वल मबनी बाशद बरफता, कि इसका पहला जुज जो है वो मबनी होगा बरफता, किस पर? फतह पर। बर मजहब अक्सर उलमा, अक्सर उलमा के नजदीक
मालूम हुआ इसमें उलमा का कुछ इख्तिलाफ है। कुछ उलमा फरमाते एक बात करते हैं, दूसरे उलमा दूसरी बात करते हैं, लेकिन जिनका कौल कवी था, जो ज्यादा उलमा की बात थी उसको जिक्र कर दिया, दूसरी को जिक्र नहीं किया। अक्सर मजहब अक्सर उलमा का ये मजहब है, यानी अक्सर उलमा ये फरमाते हैं कि इसका पहला जुज क्या होगा, मबनी अलल फता व जुजवे दो मौरब, और इसका दूसरा जुज व जुजवे दुवम मौरब, और इसका दूसरा जुज मौरब होगा। दूसरा जुज क्या होगा, मौरब, और कौन सा मौरब, गैर मुनसरिफ। इसीलिए तो इसको मुरक्कब मना सर्फ कहते हैं। मना सर्फ का माना गैर मुनसरिफ, मना सर्फ का क्या माना, तो ये मुरक्कब मना सर्फ है, यानी मुरक्कब गैर मुनसरिफ, यानी जिसका दूसरा जुज क्या है, मौरब गैर मुनसरिफ है। बात समझ में आ गई। अच्छा चलिए बस करें भाई, खुलासा जरा दोबारा सुन लें। आज आपने पढ़ा कि मुरक्कब गैर मुफीद वो है कि जिस पर कहने वाला, बात करने वाला जब खामोश हो जाए, सुकूत इख्तियार करे, तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो, यानी आसान लफ्जों में जिसमें बात पूरी ना हो, उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। और उसकी इन्होंने तीन किस्में बयान की, एक मुरक्कब इजाफी, एक मुरक्कब बिनाई, और एक मुरक्कब मनासर। और मैंने बतलाया और उलमा और भी किस्में बयान करते हैं, लेकिन ये चूंकि इब्तदाई किताब है तो जो आसान थी और आसानी से तलबा याद कर सकते थे वो जिक्र फरमा दी, बाकी तफसीलात और किताबों में आ जाएंगी। तो पहली किस्म क्या थी उसकी, मुरक्कब इजाफी, दूसरी किस्म मुरक्कब बिनाई, और तीसरी मुरक्कब मनासर। मुरक्कब इजाफी को मुरक्कब इजाफी क्यों कहते हैं, इसमें एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत होती है, यानी इजाफत होती है, और पहले जुज को क्या कहते हैं, मुजाफ, और दूसरे जुज को मुजाफुन इलै, और मुजाफ इलै हमेशा क्या होता है, मजरूर होता है। और उर्दू में इसका तर्जमा कैसे करते हैं कि का के की के साथ करते हैं, और नीज इसको उलट देते हैं, उर्दू में मुजाफिले को पहले ले आते हैं और मुजाफ को का के की के बाद ले जाते हैं। और दूसरी किस्म जो थी मुरक्कब गैर मुफीद की, वो मुरक्कब बिनाई है। मुरक्कब बिनाई किसे कहते हैं, हाँ आसान सी बात है, दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया और दूसरे में क्या छुप गया, हर्फ छुप गया, तो इसको क्या कहते हैं, मुरक्कब बिनाई। और मुरक्कब बिनाई क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके दोनों जुज क्या होते हैं, मबनी अल फता, जैसे अहदा आशारा से लेकर तिसाता आशारा तक। अलबत्ता इसमें इसना आशारा कि उसका पहला जुज क्या है, मौरब है, वो कहीं इसना आशारा आप पढ़ेंगे और कहीं इसने आशारा आप पढ़ेंगे। और तीसरी किस्म क्या है, मुरक्कब मनासर। मुरक्कब मनासर किसे कहते हैं कि दो इस्मों को जोड़कर एक कर दिया और दूसरे में कोई हर्फ भी छुपा हुआ ना हो। और इसको किस तरह पढ़ते हैं, पहला जुज क्या होता है, मबनी अलल फता, और दूसरा जुज मुअरब होता है गैर मुनसरिफ। मुअरब होता है गैर मुनसरिफ, क्या माना, उस पर कसरा भी नहीं पढ़ेंगे और तनवीन भी नहीं। और इसी चूंकि दूसरा जुज गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, मुरक्कब मनासर्फ है। बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस, बेहादा वल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।